सो गाइस क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर आपने बहुत तरह के यहाँ पे स्ट्रेंज प्लेयर अजीब खिलाड़ी आपने देखे होंगे, बट गाइस जो आज मैं आपको जो प्लेयर बताने वाला हूँ ना, उसको देखने के बाद भाई साहब के तोते उड़ जाएंगे। आपने गाइस क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर बहुत टाइप के यहाँ पे स्ट्रेंज प्लेयर देखे होंगे जिनके पास मतलब यहाँ पे एक दो ट्रूप्स होते लाइक बारबेरियन एंड मतलब माइनर्स मिनियंस ऐसे कुछ ट्रूप्स होते एंड बाकी सारे ट्रूप्स यहाँ पे मतलब उनके पास में गायब होते। एंड गाइस आपने बेसिस में भी देखे होंगे किसी के पास में कैनन होता है, किसी के पास में मतलब यहाँ पे और बिल्डिंग्स गायब होते, बट गाइस जो आज का प्लेयर है भाई साहब उसके पास में पे एक भी ट्रूप नहीं है और एक भी स्पेल्स हीरोस वगैरह कुछ भी नहीं है भाई साहब उसके पास में। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पहले मुझे भी इसके बारे में कुछ भी यकीन नहीं हुआ था, बट गाइस जब मैंने बेस को विजिट किया एंड मैंने अच्छे से देखा भाई साहब एक भी ट्रूप एक भी स्पेस कुछ भी नहीं है भाई उसके पास में। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखना भाई साहब, आप पूरी तरीके से आज शॉक होने वाले हो एंड भाई आप भी सोचोगे कि क्या ये क्लैश ऑफ क्लैन्स में सच में पॉसिबल है। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। तो चलो भाई उस बंदे का मैं यहाँ पे टैग फाइंड करता हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग खुद भी इसको फाइंड कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो भाई, ठीक है? तो मैं यहाँ पे उसका टैग एंटर करता हूँ। सो गाइस ये रहा उस प्लेयर का टैग, तो देखने के लिए रेडी हो जाओ भाई साहब। यहाँ पे देखो आप लोग टाउन हॉल 9 पे पहुंच चुका है, इसका नेम है मुहम्मद ऐसा करके कुछ इसका नेम है भाई साहब। एंड देख सकते हो गाइस इसके पास है, मुझे ढूंढ के बताओ आप लोग क्या है इसके पास में भाई साहब? एक ट्रूप भी नहीं है, एक स्पेल भी नहीं है भाई साहब। एंड सिंग मशीन तो वैसे खुलती नहीं है टाउन हॉल 9 पे, एंड हीरोज भी भाई साहब एक भी नहीं है इसके पास में। भाई ये टाउन हॉल 9 पे फिर कैसे आया यार विदाउट अटैक्स किए? मतलब अटैक्स तो करना पड़ता है यार, क्योंकि टाउन हॉल से अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए हमको स्टोरेज वगैरह गोल्ड इन सब की तो जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की। तो भाई ये फिर टाउन हॉल 9 पे कैसे पहुंचा? एंड चलो टाउन हॉल 9 तक मैंने मान लिया कि चलो कैसे करके पहुंच भी गया, बट भाई इसके ट्रूप यार बिना बारबेरियन को अनलॉक किए हम लोग टाउन हॉल को अपग्रेड कर ही नहीं सकते। बट भाई साहब इसके पास में यहाँ पे एक भी बारबेरियन भी नहीं है भाई इसके पास में, कभी वो होता तो फिर भी हम लोग मान लेते। गाइस कैसे पॉसिबल है यार क्लैश ऑफ क्लैन में चल क्या रहा है? गाइस आपने बहुत टाइप के स्ट्रेंज प्लेयर देखे होंगे, बट गाइस ऐसा प्लेयर आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। भाई मुझे तो यहाँ पे सच में यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर एक भी ट्रूप नहीं है भाई इस बंदे के पास में। ये आईडी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी आईडी जिसके पास में भाई एक भी ट्रूप नहीं है, वरना मैंने पहले भी बहुत सारे स्ट्रेंज प्लेयर देखे जिनके पास में बारबेरियन एंड माइनर मतलब कुछ ऐसे मतलब ट्रूप होते। तो भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है यार? एंड अब आप लोग इसका बेस भी देखो भाई साहब, एक कैनन तो हमको अनलॉक करना पड़ता है, वरना उसके बिना तो भाई हम लोग मतलब टाउन हॉल अपग्रेड कर ही नहीं सकते। वो हमको स्टार्टिंग में मिलता है एक कैनन का ऑप्शन, बट गाइस वो कैनन भी इसके पास में नहीं है, इसके पास में सिर्फ यहाँ पे दो एक्स बॉय। भाई कैनन को भी इसने गायब कर दिया भाई, ये 100% लगता है मुझे हैकर है। आपको क्या लगता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है? अपना ओपिनियन भी शेयर करना। एंड अगर आप लोगों ने इससे भी डेंजर प्लेयर देखा है क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर तो प्लीज एंड प्लीज गाइस उसका टैग मेरे पास में शेयर करना मत भूलना, ताकि भाई उस पर भी हम लोग वीडियो बना सके एंड उसको भी भाई साहब हम लोग विजिट कर सके, क्योंकि भाई मुझे स्ट्रेंज प्लेयर देखने में काफी मजा आता है। तो गाइस आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ भाई बिना कैनन किए मतलब बिना कैनन को अनलॉक किए भाई ये कैसे अपग्रेड करते हैं? क्योंकि कैनन हमको टाउन हॉल 1 पे मिलती है एंड उसको अपग्रेड मतलब उसको अनलॉक करना भाई यहाँ पे कंपलसरी होता है, फिर भाई इसने कैसे मतलब यहाँ पे अपग्रेड कर दिया? एंड भाई साहब इसके पास में सिर्फ यहाँ पे दो एक्स बॉय। भाई ये प्लेयर मुझे सबसे अजीब लगा, एंड आपको इसके बारे में कुछ भी पता तो प्लीज मुझे जरूर से बताना। एंड आप लोग इसका आर्मी कैंप भी देख सकते हो भाई, इसके पास मतलब यहाँ पे आर्मी भी नहीं है, लगता है भाई इसका अकाउंट बैन हो चुका है या फिर मतलब ये हैकर है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम भाई। बाय द वे इसका बिल्डर बेस तो हमको पूरा यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इसमें कुछ भी ऐसा अजीब जैसा नहीं है। बट गाइस जो होम विलेज है भाई साहब उसमें तो भाई सारा मतलब यहाँ पे स्ट्रेंज सब कुछ हमको अजीब दिख रहा है भाई, आप लोग खुद अपनी आंखों से यहाँ पे लाइव देख सकते हो। एंड भाई सबसे अजीब बात तो मुझे एक ही लगी यार, इसके पास में ट्रूप यहाँ पे एक भी अनलॉक नहीं है। आप लोग यहाँ पे फिर से चेकआउट कर सकते हो भाई साहब, एक भी ट्रूप इसके पास में अनलॉक नहीं है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ यार क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर? कुछ भी पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना गाइस। बाय द वे इसका एक क्लैन भी है भाई, इसका खुद के नेम से क्लैन है, इसका क्लैन देखते भाई इसके अगर कोई अनदर आइडियोस तो उनको विजिट करते भाई साहब। इसके पास में अभी यहाँ पे 3-4 आईडी से, एंड बाय द वे ये आईडी तो भाई काफी नॉर्मल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई इसके पास में यहाँ पे बारबेरियन है, एंड आप लोग खुद देख सकते हो भाई बाकी आईडी में इसके पास में बारबेरियन है क्योंकि उसको अनलॉक करना भाई कंपलसरी होता है। एंड देखता हूँ मैं कि कैनन है या नहीं है, ये देखो गाइस कैनन भी इसके पास में है दूसरे अकाउंट्स के अंदर, बट गाइस उस अकाउंट के अंदर ये टाउन हॉल 9 पे पहुंच गया एंड इसके पास में ना कैनन है एंड ना एक भी ट्रूप है भाई, विदाउट एनी ट्रूप भाई, कैसे यार? मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। एंड आप लोगों ने इसके यहाँ पे बाकी आईडी को भी यहाँ पे विजिट कर लिया एंड आपने उनको भी देख लिया भाई ये वैसी नहीं है। एंड आप लोग इसकी इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो क्लैन के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग इससे कॉन्टेक्ट करना एक बार एंड पूछना भाई ये कैसे क्या यार, इसका आईडी का स्क्रीनशॉट शेयर करना इसके पास में, अगर हो सके तो मैं खुद कॉन्टेक्ट करूंगा एंड आपको फिर बताऊंगा। तो बस गाइस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से मतलब कर देना इस वीडियो को, ठीक है? एंड चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करके रख लो ताकि
ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए। गाइस मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है, मैं सोच रहा हूँ गाइस क्यों ना मैं क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर ऐसे ही वीडियो ज्यादातर अपलोड करूँ, क्योंकि गाइस ऐसे स्ट्रेंज प्लेयर मुझे देखना काफी पसंद है। आप लोग को पसंद है या फिर नहीं है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना। बाय, तो मिलता हूँ आप लोग से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक ले गुड बाय।